एसीपी अर्जुन, मैंने यहां तुम्हें वार्निंग देने के लिए नहीं बल्कि एक सलाह देने के लिए बुलाया है। मैं नहीं चाहता कि तुम कोई जोखिम उठाओ। देश को तुम जैसे ऑफिसर्स की जरूरत है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। मैं चाहता हूं कि तुम सत्य का केस छोड़ दो। अर्जुन, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पुलिस डिपार्टमेंट में आने से पहले यहां काम नहीं होता था। पुलिस मुजरिमों को नहीं पकड़ती थी, गुंडों के इनकाउंटर नहीं होते थे। नहीं, सब होता था। तुम एक ऑफिसर हो अर्जुन, पूरा सिस्टम नहीं। और यह पूरा सिस्टम बहुत बड़ी विसात है जिसमें तुम्हारी हैसियत केवल एक प्यादे की है और कुछ नहीं। अपने हिटलरी जुनूनी दिमाग को काबू में रखो, वरना तुम्हारे लिए संविधान में से रद्दो बदल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुलिस के हाथों तुम्हारा भी इनकाउंटर हो सकता है। तुमने चीफ मिनिस्टर को थप्पड़ मारा? छह बज चुके हैं, अब तुम चीफ मिनिस्टर नहीं हो। हमारी गवर्नमेंट डिसॉल्व हो चुकी है, इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है। अब तुम सिर्फ एक साधारण ये थप्पड़ इस कमरे में मारा है, सिर्फ तुम्हारे और मेरे कानों पर मारा है। आइंदा अगर ऐसी हिमाकत की तो बीच सड़क पर ऐसा कस के थप्पड़ मारूंगा कि उसकी गूंज 100 करोड़ की आबादी के कानों में पहुंचे। पंगा नहीं लेना, मिट्टी में मिला। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल सिरसौली वाइंस पर बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आप लोगों का जो सपोर्ट है उसी सपोर्ट से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और जब आप हमारी वीडियो को शेयर करते हैं तो उसी मोटिवेशन के साथ में हम आपके लिए बहुत सी अच्छे कंटेंट आपके लिए ला रहे हैं और आगे लाते भी रहेंगे। तो हमारी टीम ये पीछे खड़ी है, जैसा कि आप हर वीडियो में देख पा रहे हैं। और ये जो नए व्यक्ति हैं मिस्टर जयप्रकाश जी, ये दोबारा से आज इस वीडियो में आपको देखने को मिले हैं। तो बने रहिए और कमेंट और लाइक शेयर करना ना भूलें, धन्यवाद। और टीम अगर कुछ बोलना चाह रही है दर्शकों के लिए तो भाई नेताजी बोलो। तुम लोगों को सांप सूंघे है क्या?